पंजाब पुलिस को मिली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शर्तों के साथ ट्रांजिट रिमांड ली। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में लॉरेंस का मेडिकल चेकअप कराया। चेकअप के बाद ले गई पंजाब। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और गोल्डी बरार गिरोह के दो गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने गगनदीप और गुरप्रीत सिंह को पकड़ा। सलमान खान को धमकी देकर मुंबई में खौफ कायम करना चाहता था बिश्नोई गैंग, महाराष्ट्र सरकार का खुलासा। यूपी हिंसा मामले में अब तक 350 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज से 92, सहारनपुर से 84 समेत कई जिलों से गिरफ्तारियां। प्रयागराज में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसएसपी ने कहा सिर्फ आरोपियों पर होगी गिरफ्तारी, बेकसूरों पर नहीं। मुरादाबाद में लोगों ने हटाया अतिक्रमण, लोगों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। शांति व्यवस्था को लेकर गाजियाबाद का सोशल मीडिया सेल एक्टिव। 32 अकाउंट बंद, 13 अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा, कहा चीफ जस्टिस बन गए सीएम योगी, हिम्मत है तो आशीष मिश्रा का घर तोड़ें। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने सवाल उठाए, कहा जावेद मोहम्मद के परिवार को झूठा नोटिस भेजा। गोरखपुर में हुआ बड़ी साजिश का खुलासा, ड्रोन सर्विलांस में 54 मकानों की छतों पर दिखे ईंट पत्थर। कोतवाली राजघाट और तिवारीपुर में पुलिस ने किया ड्रोन सर्विलांस, पुलिस ने 54 मकान मालिकों को नोटिस भेजा। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन की फंडिंग की जांच शुरू की। जफर हयात की बहन की सरकारी राशन कोटे की दुकान का लाइसेंस रद्द। राशन बांटने में धांधली पाए जाने पर कार्रवाई। रांची पुलिस ने दंगाइयों के दो दो पोस्टर जारी करके हटा दिए। एसपी ने कहा पोस्टर में थोड़ा बदलाव करना है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद रांची में दंगाइयों ने पत्थरबाजी की थी, अब तक 6 की गिरफ्तारी। रांची हिंसा को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हिंसा में बाहरी लोगों के हाथ होने का शक, जांच जारी। महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी का बयान, साइबर हैकर्स ने देश में कई वेबसाइट्स हैक की। सांप्रदायिक तनाव का फायदा उठा सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर, साइबर सेल के एडीजी ने कहा, जांच जारी है। थाने पुलिस की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए हुई हैक, साइबर सेल के डीसीपी ने कहा अब कोई गड़बड़ी नहीं। बंगाल हिंसा को लेकर फुरफुरा शरीफ प्रबंधन को ममता सरकार ने भेजा नोटिस, दंगा भड़काने का आरोप लगाया। ममता सरकार के आरोप पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बोले दंगाइयों से हमारा कोई नाता नहीं। अब्बास सिद्दीकी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया, कहा हिंसा हो रही थी तब कहां थी ममता की पुलिस। कोलकाता में मुस्लिम संगठनों का पैदल मार्च, नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद से शुरू हुआ मार्च, लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी से ईडी ने आज 4 घंटे पूछताछ की, 1 घंटे के ब्रेक के बाद दूसरे राउंड का इंटरोगेशन जारी। राहुल के सामने 4 अफसरों की टीम, कल भी राहुल से 10 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। राहुल गांधी से डोटेक्स कंपनी को लेकर ईडी ने सवाल पूछे, इसी कंपनी से यंग इंडिया को मिला था 1 करोड़ का लोन। कांग्रेस ने राहुल गांधी से पूछताछ पर सवाल उठाए, कहा देश की आवाज उठाने पर हो रही है पूछताछ। सुरजेवाला बोले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। राहुल से पूछताछ पर बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा, ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं कानून का है। संबित पात्रा ने कहा राहुल से पूछताछ से बौखला गई है कांग्रेस, भ्रष्टाचार का ड्रामा कर रही है कांग्रेस पार्टी। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर लगाया अरबों की जमीन हड़पने का आरोप, कहा एजेएल की जमीन स्वतंत्रता सेनानियों की है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने केंद्र पर सवाल उठाए, पूछा पीएमएलए एक्ट बीजेपी शासित राज्यों पर भी लागू होता है या केवल विपक्ष के लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कहा दिल्ली पुलिस को केंद्र से झेलना पड़ रहा है दबाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सत्याग्रह से ज्यादा लोग न जुड़े इसलिए हमें रोका गया। हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुलिस ने रिहा किया, बघेल ने कहा यह तानाशाही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कांग्रेस नारेबाजी की जगह जिन राज्यों में रह गई है वहां ही अच्छी सरकार दे तो बड़ा योगदान होगा। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले गए कई कांग्रेसी नेता, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं को बसों में लेकर गई पुलिस। कांग्रेस मुख्यालय में के बाहर प्रदर्शन, मैं हूं राहुल और सत्यमेव जयते के पोस्टर लेकर कार्यकर्ता पहुंचे। सोमवार को प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर की थी डबल बैरिकेडिंग, कांग्रेस दफ्तर के पास लगाई धारा 144। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गांधी परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुणे पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारियों की गैलरी और जलभूषण भवन का उद्घाटन किया। राज्यपाल के नए आवास का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने संत तुकाराम को किया नमन, कहा राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति के लिए ऊंच नीच में भेद मिटाना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुंबई में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे सीएम उद्धव और आदित्य ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। 16 जून को हिमाचल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, धर्मशाला में मुख्य सचिवों की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस। रोजगार पर एक्शन में केंद्र सरकार, अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा यह घोषणा युवाओं में नई उम्मीद और विश्वास लाएगी। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज, कहा 50 साल में सबसे खराब रोजगार दर है। केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरियों के ऐलान पर ओवैसी का सवाल, हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश के निर्माण में युवाओं का होगा बड़ा योगदान।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने की संभावना, कैबिनेट कमेटी ने 18 जुलाई से 22 अगस्त तक सत्र की सिफारिश की। राजनाथ सिंह ने लॉन्च की अग्निपथ भर्ती योजना, पहले राउंड में भरे जाएंगे सेना के 40,000 पद। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती होंगे जवान, नौकरी के बाद सेवानिधि भी मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अग्निपथ योजना में सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। सेना में नई भर्ती योजना पर आर्मी चीफ का बयान, भर्ती के मापदंडों से नहीं होगा कोई समझौता। नई भर्ती स्कीम पर नेवी चीफ ने कहा, अग्निपथ योजना नए युग का नया आइडिया है। अग्निवीरों को 30,000 रुपए शुरुआती सैलरी मिलेगी, चौथे साल तक सैलरी बढ़कर होगी 40,000। 4 साल सर्विस के बाद जवानों को मिलेगा डिप्लोमा और क्रेडिट स्कोर, आगे की पढ़ाई में कर सकेंगे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर पुलिस के महिला बटालियन में कांस्टेबल की भर्ती, बड़गाम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। गुजरात के धौलेरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ, 1500 हेक्टेयर जमीन दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। शरद पवार से मिनी ममता बनर्जी, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। बुधवार को ममता ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस नेता खड़गे, जयराम रमेश और सुरजेवाला बैठक में हो सकते हैं शामिल। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 18 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला। दिल्ली में शुरू हुआ स्पेशल सफाई अभियान, सीएम केजरीवाल ने कहा मिलकर दिल्ली को साफ करेंगे। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राहत, एमएलसी चुनाव में वोट डालने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। अनुशासन तोड़ने पर जेडीयू में बड़ी कार्रवाई, प्रवक्ता अजय आलोक समेत 4 नेता सस्पेंड। आरजेडी विधायक अनंत सिंह दोषी करार, कोर्ट ने AK-47 और ग्रेनेड मामले में सुनाया फैसला। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की टीम, पत्नी रुजिरा बनर्जी से हो सकती है पूछताछ। भोपाल में बीजेपी में शामिल हुए 3 MLA, एसपी के राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक राणा विक्रम शामिल। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने जानकारी दी। पुष्कर धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली बीजेपी में शामिल। उज्जैन में हवाला ऑपरेटर का पर्दाफाश, ऑपरेटर के ऑफिस में छापेमारी के बाद 50 लाख कैश बरामद। अगरतला मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे के पास जंगल में लगी आग, काफी मेहनत के बाद आग पर काबू। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी जमा हुआ, पानी भरने से ठप हुआ यातायात। गुवाहाटी में राहत के काम में जुटे एनडीआरएफ के जवान, घरों में पानी भर जाने से एक शख्स की मौत। अमरनाथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर शिवलिंग की पूजा की गई। देश में कोरोना के 6,594 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 1,118 नए केस, 2 मरीजों की मौत। 153 अंक गिरकर 52,693 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 42 अंक टूटा। 10 साल में सबसे ज्यादा पहुंची थोक महंगाई, महंगाई दर 15% के पार। बुधवार को भारत दौरे पर आएंगे स्पेन के विदेश मंत्री, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। लगातार बढ़ रही है अमेरिका के फ्लैगस्टाफ के जंगलों की आग, लोगों से खाली करवाया गया इलाका। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी सेना की 44वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने अंधाधुंध गोले बरसाए। डोनेस्क के रिहायशी इलाकों में शुरू हुई लड़ाई, यूक्रेनी लड़ाके दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। पोलैंड के हथियारों की यूक्रेन में टेस्टिंग, स्नाइपर राइफल से फायर करता दिखा जवान। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्रोकोडाइल, यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने जारी किया रूस की बमबारी का वीडियो, खेरसोन में हमले का ड्रोन वीडियो बताया। रूसी सेना पत्रकारों को अंडरग्राउंड टनल में ले गई, टनल से यूक्रेनी सेना कर रही थी रूस का मुकाबला। पूर्वी यूक्रेन में जंग पर जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा, टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 10,191 रन। ब्रह्मास से मौनी रॉय का फर्स्ट लुक आया सामने, फिल्म को सफल बनाने के लिए बॉलीवुड ने मिलाया साउथ से हाथ। कियारा आडवाणी के बॉलीवुड में 8 साल पूरे, कहा एंटरटेनमेंट अभी बाकी है। और सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी बहन ने कहा, तुमने दुनिया को बदल दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।